नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज हैदराबाद। टीएसआरटीसी के मांगे पूरी करने के लिए मल्काजगिरी एमपी रेवंत रेड्डी ने आज सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंचकर धरना दिया। धरने के दौरान रेवंत रेड्डी ने आरटीसी की मांगे पूरी करो, सीएम केसीआर डाउन डाउन के नारे लगाते रहे। पुलिस ने रेवंत रेड्डी को अरेस्ट करके कमाटीपुरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। कांग्रेस पार्टी के लोगों को पता चला कि रेवंत रेड्डी को कमाटीपुरा पीएस में रखा है, तो कसीर तादाद में रेवंत रेड्डी के चाहने वालों ने पीएस के पास जमा होकर एहतजाज किया। कुछ ही देर में पुलिस ने रेवंत रेड्डी को पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख आसिफ की ये रिपोर्ट। ముందు తమాషా చెప్పండి, నువ్వు నోరు మూసుకొని పక్కన చెల్లిపోవాలి, నేను మాట్లాడొస్తాను సార్, నేను తమాషా చేస్తే మాత్రం మర్యాద దక్కదు. 341 కేసు రిమాండ్ చేస్తారు, ఇష్టం వచ్చి అనుకున్నారు. అది హలో పక్క రండి, బాబు నన్నే తీయదలుచుకుంటే రాయా, న్యాయం ఉంటారా? ఏం పర్వాలేదు, న్యాయం ఉంటారా? सत्रह दिनों से जो आरटीसी सम्मे चल रहा है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के वजह से 10 लोग मर गए, ड्राइवर और कंडक्टर। ये खुदकुशी नहीं है, ये सरकार का हत्या है। हर एक मारे सो खानदान को, उनके फैमिली को 50 लाख रुपए एक्सक्रेशिया देना। सरकार सरासर सख्त उन लोगों से चर्चा करना है जो आरटीसी वर्कर्स के डिमांड्स है। सबको बुलाओ, बात करो, उनका तकलीफ क्या है दूर हटाओ। उनके तकलीफ हटाने के लिए आप कोशिश करो, अगर आप कोशिश नहीं करे तो आपको गद्दी से उतारने के लिए कांग्रेस पर लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी वर्करों को हम लोग तारीफ कर रहे हैं, सब कांग्रेस पार्टी वाले कोशिश करके केसीआर जो मस्ती है उसके मस्ती उतारने